राजस्थान में 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस दमखम के साथ तैयारियों में जुट गई है। जहां पहले 5 सीटें हुआ करती थी, उसके लिए भी जो अलग अलग प्रभारी हैं नियुक्त कर दिए थे बीजेपी और कांग्रेस ने। उसके बाद एक सीट जो और खाली हो गई थी, सलूम्बर विधानसभा के जो विधायक अमृतलाल मीणा हैं उनके निधन के बाद सलूम्बर सीट खाली हो गई थी। उस पर अब बीजेपी से पहले कांग्रेस वहाँ पर एक्टिव हो गई, कांग्रेस ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो वहाँ पर लगातार 3 बार से जो सांसद जो अमृतलाल मीणा हैं वह लगातार विधायक रहे थे, लेकिन उनकी मौत के बाद सीट खाली हो गई और कांग्रेस ने तैयारियों में जुट गई है। क्योंकि वहाँ पर चुनाव रोचक रहने वाला है। एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा, यानी दमखम के साथ चुनाव होगा। इसके लिए कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस ने 4 प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिसमें जो बांसवाड़ा सीट है वहाँ के जो विधायक है अर्जुन बामणिया, उनको वहाँ का प्रभारी बनाया है। उसके बाद जो उदयपुर जिला देहात के जो जिला अध्यक्ष हैं कचरूलाल चौधरी, उनको वहाँ का प्रभारी बनाया है। और ताराचंद मीणा जो लोकसभा से प्रत्याशी रहे उनको बनाया है। और रघुवीर मीणा जिन्हें रूप में बनाया है। जिस तरह से चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव है, भाजपा भी एक्टिव है और दमखम के साथ पार्टियां जुट गई है, चुनाव होने को हैं। और बताया जा रहा है कि अक्टूबर के अंत में राजस्थान में चुनाव हो सकते हैं, इसलिए दमखम के साथ पार्टियां जुट गई। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो जो अमृतलाल मीणा है जिन्हें 80,000 वोट मिले थे, तो जो रघुवीर मीणा जो कांग्रेस से आते हैं उन्हें 65,000 वोट मिले थे। और भारत आदिवासी पार्टी का कैंडिडेट जो 51,000 वोट लाया, यानी 25% जो वोट शेयर था वो भारत आदिवासी पार्टी का था। इस कारण भारत आदिवासी पार्टी ने तैयारियां जोरों से कर ली थी और अब कांग्रेस भी उससे पहले जुट गई कि कहीं ना कहीं प्रभारी बना दिए जाएँ जिससे कि चुनाव में बाहर ना पड़े। और जो प्रभारी बनाए हैं वह जनता की राय लेंगे, जनता क्या सोचती है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वह क्या सोचते हैं। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता गठबंधन नहीं चाहते हैं तो जो प्रभारी रिपोर्ट सौंपेंगे उसके आधार पर पार्टी टिकट देगी। इस कारण जिला के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी, जो विधानसभा के चुनाव है उनके प्रभारियों की नियुक्ति कर दी, जिससे कि चुनाव में कांग्रेस पर बार ना पड़े। और कांग्रेस भी दमखम के साथ दूसरी सीटों पर जुटी हुई है और पूरी तरह से जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी। अब वही बीजेपी के जो नेता हैं उनका भी कहना था कि जो अमृतलाल मीणा हैं जिनके जो मुद्दे रहे थे, जिन्होंने जनता के हित में उठाए थे और पूरे नहीं हो पाए, उन्हें पार्टी पूरा करेगी, उन्हें वह पूरा करने में कोशिश करेंगे। वहीं अब भारत आदिवासी पार्टी के साथ बीजेपी कांग्रेस दमखम के साथ जुटी और चुनाव में एक रोचक मुकाबला सलूम्बर में देखने को मिलेगा। पास में 84 है और 84 के बाद सलूम्बर है और वहाँ पर चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस कारण कांग्रेस ने पहले से ही प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। जिस तरह से जो विधायक अमृतलाल मीणा है उनके निधन को 15 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने 7 से 8 दिन में ही प्रभारी को नियुक्त कर दिया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।